राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग की शुरुआत एक गिलास पानी के साथ, और अब मैंने जो बर्तन रखे हुए थे वो भी अपनी जगह पे रख दिए हैं। आप कहोगे डेली डेली बर्तन ही दिखाती है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ एक हर्बल। आप इसे हर्बल टी भी बोल सकते हैं, एक डिटॉक्स वाटर भी बोल सकते हैं। ये आपने यूट्यूब पर बहुत देखी होगी, बीच में चल रही थी। ये है अपराजिता के फ्लावर जो मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये कुछ गुलाब की जो पंखुड़ियाँ, ये भी मेरे यहाँ पर इसका एक प्लांट्स लगा हुआ है। तो मैं इनको, जो ये सूख जाते हैं ना, तो मैं तोड़ के इनको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो इस तरह से आप ये वाटर बनाकर रख लीजिए, पूरे दिन आप पीजिए इसको, और जब ये खाली हो जाए तो इसे वापस से भर लीजिए। और अब ये मेरा जो दही है ये भी मैं जम गया था, तो मैं इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। और अब हम कर लेंगे अपने झाड़ू की तैयारी, और साथ साथ में मैं कर लूँगी डस्टिंग भी। और यहाँ मेरे यहाँ आती है बहुत सारी डस्ट, जो मैं हर बार बताती हूँ आपको। और अब मैं कर लूँगी झाड़ू, और साथ के साथ जो इसका सामान है वो मैं सेट करती हुई चलूँगी, ताकि एक बार में ही सारा काम होता चला जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल शाम को कटिंग करके ये कटोरी कट ब्लाउज होता है ना, वो सिला था मैंने। मैं घर में थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ। यहाँ गुजरात में ना ये कटोरी वाले ब्लाउज ज़्यादा पहनती हैं लेडीज। और अभी इसके कच बटन बाकी हैं, वो मैं आज करूँगी। और आज मैं सिलाई का ही कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, आप मुझे बताना कि आपको वो कैसा लगा। और अब हम कर लेंगे अपने बाहर का जो एरिया है उसकी झाड़ू। जो मेरा घर है ना, एकदम रोड से टच करके ही है, तो इसमें धूल मिट्टी को ज़्यादा ही आती है। और अब आ गए थे हस्बैंड वॉक करके, जिन्हें मैं साहब बुलाती हूँ, और उन्होंने बोला कि आज वो पियेंगे गुड़ की चाय। तो आज हम बनाएंगे गुड़ की चाय, और उन्होंने बोला कि थोड़ा जो शुगर होती है वो कम करो, चीनी कम करो, और आज से हम पियेंगे गुड़ की चाय। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने बनाई। और अब मैं पूछ रही थी इनसे इसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको, तो बोल रहा था अच्छे हैं। और बस फिर हमने इधर उधर की बातें की, और अब मैं कर लूँगी अपने लंच की तैयारी। लंच में आज मैं बना रही हूँ जो कच्ची कैरी होती है ना, उसकी खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। ये सब्ज़ी घर में सभी को पसंद आती है, चाहे छोटे हो या बड़े। और आज मैं साथ के साथ ही मैं अभी रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि मुझे आज काम ख़त्म करके फटाफट कुछ अलग बनाना है, सिलाई करनी है मुझे, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। आप पूरा वीडियो वॉच करें। अब सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी, इससे ना थोड़ा मीठापन आ जाता है, और खट्टी मीठी सी बनती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। आप चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा गुड़ डाला है। और अभी मेरा लंच रेडी है, मैंने रोटियां भी बना ली और मेरी सब्जी भी तैयार है। और अब बस मेरे जो बर्तन है मैं वो धो लूँगी फटाफट, और पहले मैं ये जो पोछा लगाऊँगी ना, तो उसका मैं वो धो के रख दूँगी, तो उससे फिर फटाफट मेरा काम हो जाएगा। और मेरे बर्तन हो गए, अब मैं लगा लूँगी पोछा, और उसके बाद बस फिर मेरा काम ख़त्म। फिर मैं नहा कर पूजा करके फिर आपसे शेयर करती हूँ जो मैं आपसे शुरू से बोल रही हूँ आज। और मैं साथ ही साथ ही ना बाथरूम में भी पोछा लगा लूँगी। ये मैंने पहले धो दिया था, तो ये थोड़ा गीला रहता है ना, तो अगर हम पोछा लगा देते हैं ना तो अच्छा रहता है फिर। और अब ये मेरा झाड़ू पोछा सब काम ख़त्म हो गया है, और ये वही वाटर है जो मैंने आज बताया था सुबह आपको, इसका कलर चेंज हो गया है। कल जब मैं मंदिर गई तो मुझे वहाँ महाराज जी मिले मंदिर में, तो मैंने फिर आखिरकार उनसे हिम्मत करके पूछ लिया कि महाराज जी, कि मैं भगवान जी के लिए अपने हाथ से कुछ वस्त्र बनाना चाहती हूँ। तो पहले वो समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उन्हें गुजराती आती है और मुझे गुजराती नहीं आती है, तो हम दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाए। फिर आखिरकार मैंने उन्हें समझाया कि मुझे भगवान जी के कुछ पुराने वस्त्र चाहिए, और मैं उन भगवान जी के लिए अपने हाथ से वस्त्र बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ ना पुराने वस्त्र को जूना बोलते हैं, और फिर वो आखिरकार समझे और उन्होंने मुझे भगवान जी के पुराने वस्त्र दिए, और आज मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए अपने हाथों से वस्त्र। तो
तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बने मुझे बताना। और ये हरसिद्धि माता का मंदिर है, मेरे घर के जस्ट सामने ही है। तो ये माता जी का मंदिर है, ये हनुमान जी दादा हैं और ये शेर महाराज। और जो मैंने आपसे वीडियो में बताया था ना, तो ये मैं महाराज से जो झूने वस्त्र लेके आई थी ना, ये वो है। और इन्हीं के नाप से मैंने ये बनाया है, एक गणपति दादा के लिए और ये अपने हनुमान जी महाराज हैं उनके लिए। और जो ये माता जी की सवारी है सिंह उनका, और ये जो भार भैरव बाबा थे उनका। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था लुक इनका, तो मेरे पास ये मिरर रखे हुए थे तो मैंने थोड़े मिरर लगा दिए, इससे ना इनका लुक थोड़ा सा एनहेंस हो गया। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा। जय श्री।